This is something that Raghu would like. It's not too clingy. Raghu, why don't you try this? बेसिकली यू नो ग्रोइंग अप जब हम लोग एम टी वी के साथ काम कर रहे थे और रघु राजीव में और बाकी रोडीज हम लोग हमेशा ये देखते थे कि यार when you get dressed you could express yourself with the accessories that you were wearing. तो मुझे पता है कि रघु को कैसी एक्सेसरीज पसंद है मेरे स्क्वाड्रन के बंदों को क्या पसंद है रोडीज और स्पिरिचुअल्स बिकॉज एवरीबडी वेयर्स एक्सेसरीज दे लुक एट ईच अदर दे कलर कोऑर्डिनेटेड एंड डिपेंडिंग ऑन द पर्सन्स पर्सनैलिटी तो ऑब्वियसली बात है जब हमारे स्टोर का एक लॉन्च हो रहा था यहाँ पर पहले सिर्फ वॉयला के अंडर सिर्फ जो हमारी फीमेल कलेक्शन है वो बहुत ही तो अब डेयर की कलेक्शन बढ़ती जा रही है जब से मैं और अभिषेक और हम विश्वास हम लोग बात ही करते हैं कि लड़कों को भी एक्सेसरीज बहुत पसंद है एंड यू नो यू वी लाइक टू वेयर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स इवन इफ इट्स नॉट एक्सपेंसिव ज्वेलरी बट समथिंग दैट एक्सप्रेसेस अस लाइक इफ दिस इज आई एम अ बाइकर तो वेयरिंग अ बॉल बेयरिंग एंड इन द बाइकर कलेक्शन आई लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स सो द काइंड ऑफ पीपल दैट ओवर द इयर्स हु लाइक एक्सेसरीज दे आर हियर सो दे हैपन टू बी द रोडीज एंड स्प्लिट्स एंड ऑफ कोर्स द फ्रेंड्स ऑफ माइन इन रियल लाइफ तो वो आए हैं सब कलेक्शन चेकआउट कर रहे हैं एंड दे आर सो बिजी कलेक्टिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स बिकॉज मैंने कहा व्हाट एवर यू वांट जस्ट टेक इट सो दे आर ऑल बिजी एंड ऑलमोस्ट फाइटिंग फॉर सम पीसेस कौन सा पीस आपका सबसे मतलब क्या पहनते हैं हमेशा मैं ना जो
काफ़ी सारे अलग अलग कलेक्शंस हैं डेयर में अलग अलग थीम्स को लेकर. वन वॉज द वॉरियर वन. तो उस टाइम पे मैं एक रोडीज़ का ऐसा शो कर रहा था जिसमें जो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट ही वॉरियर का था एंड एट द सेम टाइम इट वॉज मैचिंग द कॉन्सेप्ट. सो एट दैट टाइम आई वॉज वेयरिंग दिस. बट इन माई रियल लाइफ आई एम वेरी क्लोज टू द बाइकर कलेक्शन जो उसमें स्क्रू ड्राइवर है, नट्स हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं बाइक्स के जो उन्होंने छोटे छोटे इस्तेमाल किए. उससे क्या मेरे को कोई मुझे देखता है ना विदाउट टॉकिंग टू मी ऑल्सो उसको पता होगा कि मैं किस किस्म का आदमी हूँ, मुझे क्या चीज़ें पसंद है. जैसे बॉल बेयरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मशीनरी का, तो इससे पता लगता है कि अच्छा ये इस किस्म का इंसान है. बाकी मेरे को जो कैमोफ्लाज कलेक्शन है वो फौजी कलेक्शन वो बहुत पसंद है बिकॉज अगेन दैट इज़ क्लोज टू माई हार्ट. एंड अगर आप देखें आपके अंदर भी बहुत सारे लोग कैमो पहनते हैं एंड फॉर दोज एक्सेसरीज ना इट दे वेरी नाइस एंड कूल. और सी बॉयज में भी ना वो चाव होता है कि यार उठ के एक ब्रेसलेट पहना है, एक नेक में डॉग टैग पहना है. सो आई लव द डॉग टैग्स ऑल्सो. बहुत अलग अलग किस्म के करें. सो इन एवरी कलेक्शन आई डिपेंडिंग ऑन मैं क्या कर रहा हूँ. जैसे अगर आज लोहड़ी है और बहुत बहुत स्पेशल लोहड़ी हमारे लिए बिकॉज मेरी बेटी की पहली लोहड़ी है. सो अगर शाम को मैं कुर्ता पजामा पहन रहा हूँ सो वी हैव अ रेंज फॉर इवन दैट फॉर एथनिक वेयर के साथ क्या पहनोगे. यू नो रुद्राक्ष हैं अलग अलग एंड इट्स कूल कि हर किस्म के लोगों के लिए स्पेशली लड़कों के लिए. मैं डेयर की बात कर रहा हूँ क्योंकि इनके वॉयला में और भी हैं सब वुमेन के लिए भी तो कुछ ना कुछ है. तो मुझे कुछ चीज़ें पसंद है. अगर रघू का टेस्ट अलग है तो उसको कुछ चीज़ें पसंद है, मेरे भाई को कुछ और चीज़ें पसंद है. बट आई लाइक इट बिकॉज फॉर एवरी ओकेजन एंड एवरी थीम ऑफ अ शो इफ आई एम डूइंग समथिंग आई हैव इट लाइक दैट वन दैट्स वो चेन है. यू नो इट्स अ चेन एंड यू रिमेंबर जब बाइक के बारे में साइकिल के बारे में मशीनरी के बारे में बात करें सो यू लाइक टू बी दैट रफ एंड टफ काइंड ऑफ अ थिंग. सो वेयरिंग दोज एक्सेसरीज काइंड ऑफ एक्सप्रेसेस कि आप कौन है. सो एक हमेशा क्लोज होता है कोई एक चीज होती है. मेरे को ये बाइकर कलेक्शन सबसे ज्यादा क्लोज है. और अब मैं इनको बोल रहा हूँ कि जो बाइकर कलेक्शन है उसको और जो हमारा कैमोफ्लाज कलेक्शन है उसको एक साथ ऐसा मैच कर दो ताकि फिर मेरे को और कहीं देखना ना पड़े. कोई रिंग खास पहनना चाहते हैं? तो मेरा ऐसा है कि मैं जब बातें करता हूँ ना तो मेरा हाथ चलते रहते हैं तो वो बहुत सारे ऐसे लगते हैं. तो उसको कंट्रोल करने के लिए मैं ऐसा रिंग के साथ खेलता हूँ. ये तो मेरी शादी वाला बैंड है बट अगर ये वाला रिंग जैसे हो इसमें ना देयर इज सो दिस इज वेरी इजी बिकॉज यू कीप मूविंग इट एंड यू कैन कीप थिंकिंग. देयर दो तीन ऐसे हैं जिसमें वो नंबर लॉक वाला होता है ना तो उसमें वो भी आप नंबर लॉक. आई लाइक रिंग्स दो थोड़ी सी फंकी हो और मुझे मतलब आई डोंट लाइक ज्वेलरी एक्सपेंसिव बट ऐसा जिसमें कुछ ना कुछ कूल हो. This also looks industrial and tough, so I like things like this. So some accessories are like very lucky for people. Yeah, yeah. So generally, when I'm riding, I wear a dog tag. See, because dog tag ka actual jo meaning tha na, soldiers jab war ke liye jaate hain, identity card leke nahi jaate. Wo chain mein dog tag mein apna blood group aur naam aur agar un if you want to find out kaun hai. So as a rider, I just feel like that is my identification. So I used to wear a lot of dog tags earlier. अब मैं जब राइड के लिए जाता हूँ तो बाई डिफॉल्ट मैं एक डॉग टैग पहन के जाता हूँ. अब अगर मैं डॉग टैग नहीं पहनता तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं पहनने ना चाहिए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए. ये एक साइकोलॉजिकल थिंग है बट व्हाइल आई एम गेटिंग रेडी हेलमेट वेलमेट सब कुछ है पर हाँ डॉग टैग होना चाहिए. तो मेरे भाई जो रघु राजीव ऊपर है उनके साथ उनका राजीव का बेटा है. ही इज अ यंग किड, हमारे पूरे ग्रुप में सबसे मतलब पहला बच्चा था एंड ही इज़ माई गॉड सन. तो वेदांत अभी आया है तो उसको क्या ना बच्चों को ये होता है कि एक्सेसरीज देख सकते हैं बट बिकॉज यू डोंट हैव स्पेंडिंग पावर को कंट्रोल करते हैं पेरेंट्स. और एक्सेसरीज ऐसा है कि मतलब तैयार होने का इतना शौक क्या है, पढ़ाई करो. तो आज उसके लिए सबसे बड़ा दिन है कि कोई भी एक्सेसरी जो उसको पसंद है जो बड़े लोगों को टी वी पर देखता है ऐसे देखता है वो आज वो कलेक्ट कर रहा है. अफकोर्स फॉर अस बिकॉज यू नो आई बिन पार्ट ऑफ द टीम. तो मेरे अगर कोई दोस्त हैं कह रहे यार हमारा शूट है कुछ भेज हमारे को तो मैं उनको एक डब्बा भेज देता हूँ. देन दे कीप चूजिंग ऑल द स्क्वाड्रन बॉयज लाइक दिशांक इज डूइंग अ शो. ही इज द लीड इन अ शो कॉल्ड जीजी मा. तो उसके भी शो में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर वो पहन सकता है वो एक्सेसरीज. वो बोलता है भाई मेरे को भेजो. एंड ऑल दीज बॉयज कोई क्या है कि रोडीज और स्प्लिट्सला वगैरह जब मैं करता हूँ तो मैं इनको मिलता हूँ लेकिन उसके बाद इतना काम करते हैं तो वो भी उनको भी ऐसा नज़र रखते हैं कि अच्छा भी वो नया वाला आया भाई. वो मैं एक बाइक की ऐड के लिए जा रहा हूँ तो वो कुछ बाइक वाला एक्सेसरीज भेजो. तो मेरे लिए इट्स अ जॉय कि मेरे को वो अपॉर्चुनिटी मिलती है दैट आई कैन एक्चुअली हेल्प गिव पीपल स्मॉल गिफ्ट्स एंड दे आर वेरी प्राउड ऑफ इट कि अच्छा ये हमें मतलब मिला है और हम इसको पहनेंगे. सो दैट्स ऑल ऑफ देम हियर. और आई थिंक इस जगह पर आकर बिकॉज सी दिस इज़ आर स्टोर. हम लोग ये चाह रहे थे कि ऐसी जगह पे करें जहाँ पर यू कैन ऑल्सो सी द प्रोडक्ट्स एज अपोज टू कि एक होटल में करें जहाँ पर हम लोग क्योंकि दिस इज़
our reality. We are not flashy people. We make good things, and this is where we sell it in Lokhandwala in Bombay. Yeah. And खरीदी है जब से शादी हुई है बिकॉज ऑफ माई वाइफ बट वी आर ना द थिंग विद दिस काइंड ऑफ एक्सेसरी विद डेयर इज दैट जो रफ एंड टफ लाइफ स्टाइल अगर बाइक पे जाना है या खेलना है या सडनली कोई टास्क करना है या आपस में मस्ती कर रहे हैं बाई चांस कुछ लग गया स्क्रैच हो गया तो ऐसा दिल को चोट पहुंचाने वाली चीज़ नहीं है यू कैन गो एंड गेट अनदर वन बिकॉज़ दे आर अफोर्डेबल इफ यू सी द प्राइसेज एंड ऑल द रेंज इट्स And yet you can express yourself. अगर मैं कुछ बहुत महंगी चीज़ पहनूँ ना तो उसके बाद वो मे बी द काइंड ऑफ पर्सन है वो स्ट्रेस सा रहता है कि गिर ना जाए बार बार अरे वो गिरा तो नहीं एंड आई हैव सीन पीपल जो स्टड्स वड्स पहनते हैं जो डायमंड्स वगैरह उनको थोड़ा घबराहट रहती है इन माई लाइफ से लोग घबराहट या तो मैं मज़े कर लूँ और लोगों से बात कर लूँ कॉलेज में जाऊँ हाथ बात ऐसे दूँ और ना देना भी आसान हो गया मेरे लिए बिकॉज मैं मैंने कॉलेज इन सर बहुत अच्छा है And you're like, ये ले यार और अगर वो एक्सपेंसिव ज्वेलरी हो तो मेरा दिल मतलब यू नो सो इट्स वेरी इजी बिकॉज दैट्स द काइंड ऑफ पर्सन आई एम एंड आई कैन शेयर बट इफ इट वाज लाइक यू सेड एक्सपेंसिव ज्वेलरी देन द ओनली पीस ऑफ ज्वेलरी आई हैव इज दिस वेडिंग बैंड विच इज गिवन टू मी बाय माय वाइफ ऑब्वियसली इसके अलावा और कुछ बाकी सब डेयर ही है अंदर भी डेयर है बाहर भी डेयर है हाँ कल ही कल ही इवन इवन प्रियांक वाइल गोइंग बिकॉज ही ऑल्सो लुक्स एट सी ऑल दीज गाइज ना दे लुक एट माई एक्सेसरीज क्या पहने हुए हैं स्प्लिट सलम रोडीज हाँ सर ये बड़ा अच्छा है ऐसे ताने मारते रहते हैं तो जब वो कुछ अच्छा करते हैं तो मैं कहता हूँ ये ले यार तू ये रख मैं तेरे को देता हूँ सो इवन इवन ही टुक अ लॉट एंड आई यू कैन सी हिम वेयर वो अपनी मर्जी से पहनते हैं बिकॉज दीज आर कूल एक्सेसरी सो आई मेट देम यस्टरडे एंड दे वर वेरी एक्साइटेड मेरा एक नया शो आ रहा है एम टी वी ट्रोल पुलिस आज ही लॉन्च हो रहा है टुडे इज अ वेरी ग्रेट बिग डे फॉर मी बिकॉज पहली लोहड़ी है मेरी बेटी की आज यहाँ पर आए हैं डेयर का इतना इंपॉर्टेंट है और शाम को शो लॉन्च है तो यू नो इट्स इट्स अ ग्रेट थिंग एंड द शो इज अबाउट ट्रोलिंग राइट तो बिनाफ्शा और प्रियांक को लेकर उन अलग उनके बारे में बहुत लोग कुछ कहते तो उनको एक मौका मिल गया टू एक्सप्लेन टू एक्सप्रेस कि ऐसा था और एक एक ट्रोल से मिलने का मौका मिल गया जहाँ पे उसने बोला कि मैंने इसलिए किया क्यों किया सो द शो इज़ वेरी इंटरेस्टिंग यार क्योंकि आज की डेट में चाहे आप जर्नलिस्ट हो चाहे आप नॉर्मल स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग बच्चे हो जिसका मन करता है उठा के कुछ भी लिख देते हैं एंड दैट्स नॉट राइट सो बिकॉज फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ कि आप अपने प्लेटफॉर्म पे अपने दायरे में अपने घर में अपने दोस्तों में अपने पेपर में अपने कॉलेज में बात करिए किसी के घर में घुस के आप किसी को गाली नहीं देते तो अगर आप किसी के इंस्टाग्राम अकाउंट में घुस के उनको गाली दे रहे हैं इट्स अ प्राइवेसी का ब्रीच हो रहा है तो ये बहुत सारी अवेयरनेस की भी चीज़ें लोगों को नहीं पता सो इट्स अ शो दैट आई थिंक इज द नीड ऑफ द आवर आप देखेंगे तो आप बताना उसमें भी अगर आप देखें तो क्योंकि उसमें पूरे शो में डेयर है तो उसमें भी एक्सेसरीज में मतलब अपना अपने ही पहन रहा हूँ डेयर के एंड द सेलिब्रिटीज हु कम इन द लुक ऑल्सो दिस कहाँ से लाया ये कहाँ से लाता है तू बाहर से लाता है कहीं से मैंने कहा एक्चुअली आइडियाज़ बाहर के हैं और हम लोगों ने ये सोचा कि बाहर जो मेंस एक्सेसरीज होती हैं इतनी अच्छी होती है ना पिछले 8-10 साल से बाहर से यू नो यू गो आउट ऑल दीज अदर शोरूम्स द बिग शोरूम्स दे हैव दोस इन द एंड काउंटर के पास जब आप ऐसे पैसे बचा रहे हो तो वो खर्च हो ही जाते हैं इनमें यू नो यू हैव दिस सो व्हेन वी केम बैक एंड आई वाज लाइक यू नो वी ऑलवेज गो आउट एंड बाय देन व्हेन आई मेट देम अ कपल ऑफ इयर्स अगो एंड वी स्टार्ट डिजाइनिंग ऐसे करना है तो ऐसे होना चाहिए ताकि अपने बच्चे जो हैं अपने कॉलेज के दे डोंट नीड टू गो आउट दे से कि अच्छा नया क्या आया डेयर की लाइन में देखिए मे बी गिव अस ऑप्शंस कि सर थोड़ा कैमो में बनाओ सो द कैमो ऑप्शन वाज फ्रॉम मी ओनली दैट आई लाइक टू वेयर कैमो स्टफ दिस ओके एंड विद इन 3 months बिकॉज द फैक्ट्री इज इन जयपुर एंड दे हैव द फुल यू नो कंट्रोल ओवर इट ऐसा नहीं है कि चाइना से माल आएगा तुमको बताएंगे तो इट्स ऑल्सो फन क्रिएटिवली फॉर मी कि अच्छा ऐसा करते हैं अच्छा जो बाइकर कलेक्शन में क्या उसमें ये हो सकता है वो हो सकता है सो वी आर हैविंग फन एंड पीपल आर लाइकिंग इट्स डूइंग वेल वो मैं एक्चुअली सपोर्ट तो मैं बिना आजकल सपोर्ट आसान हो गया बिना फिजिकली जाए आप कर सकते हैं बिकॉज आप इंटरनेट पे कर सकते हैं मैं अभी तो अभी विकास को करता हूँ बिकॉज विकास हैज वर्क विद एमटीवी एंड ही इज ऑल्सो यू नो गॉट अ लॉट ऑफ सी ही वॉज नॉट अ सेलिब्रिटी But he's worked in the industry for a long time. He's worked with MTV as a creative head of MTV. And all these boys and all, nah, he kinds of keep, matlab kabhi show hota hai, kabhi aisa. So he's, they also look up to him. So, and I think on the show, he's gathered a lot of love from people.
सो आई एम सपोर्टिंग हिम बिकॉज ऑफ कोर्स आई नो हिम और उसके अलावा मैं जानता भी नहीं हूँ. जब दो तीन लोग होते हैं ना तो मैं ऐसा असमंजस में फंस जाता हूँ. तो वो फिर डिपेंड करता है अच्छा अभी कौन डेंजर में, विनाशा तो विनाशा के लिए पोस्ट, अभी प्रियांक तो प्रियांक के लिए पोस्ट, अब वो दोनों नहीं है तो आसानी से विकास के लिए पोस्ट. आई मीन दैट्स हाउ यू नो ऐसा है. हाँ वो ना आज ना डेयर, एमटीवी ट्रोल पुलिस और लोड़ी, इतनी सारी चीज़ें हो गई और बिग बॉस की बात कर ली. अब वो करेंगे तो घूम जाएगी वो उस, वो वैसे अभी नहीं रिलीज हो रही, वो दो तीन महीने बाद हो रही, तब बात करेंगे जरूर. थैंक यू सो मच. थैंक यू गाइस. इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू हैव रणविजय हियर, दैट टू ऑन वेरी स्पेशल डे. लोड़ी बड़ी स्पेशल है क्योंकि आज कायनात की फर्स्ट लोड़ी है और हमारे स्टोर के लिए भी रणविजय जी खुद यहाँ पे हैं. एंड मोस्ट ऑफ दिस कलेक्शन व्हाट ही हैज मेंशन्ड, इट्स बीन एंडोर्स्ड, नॉट ओनली एंडोर्स्ड बाय रणविजय बट वी आल्सो शेयर, कीप शेयरिंग मूड बोर्ड्स. एंड बेस्ट पार्ट इज आर न्यू टैगलाइन विच सेज ऑन द पार्ट यू आर प्लेइंग राइट नाउ वट रणविजय हैज जस्ट मेंशन्ड. सुबह हम लोग जाते हैं, कभी बाइकर्स लुक हो गया, ऑफिस बोर्ड रूम लुक हो गया, उसके बाद इवनिंग पार्टीज. सो वी हैव ज्वेलरीज एंड एक्सेसरीज फॉर एवरी लुक यू आर प्लेइंग इन लाइफ. और वो बिल्कुल हम लोग हर मंथ काफ़ी सारे नए कलेक्शन इनके साथ में लॉन्च करते हैं. ऑनलाइन है dare.voila.com पे आप डेयर जाके ले सकते हैं, या एक्सक्लूसिव स्टोर्स भी हैं इसके, मॉल ऑफ इंडिया में है, लोकंडवाला में और वोयला के काफ़ी सारे स्टोर्स में डेयर की एक्सेसरीज अवेलेबल है. थैंक यू सो मच. थैंक यू गाइस. थैंक्स. Whatever we give it to him, he, it actually never harmed him for himself. Yeah. Thank you. How's it going? Someone take one snap with you all.